महल में ममता और सड़क पर जनता, ये स्थिति इस समय पश्चिम बंगाल की। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म के बाद पूरा बंगाल सुलगा, लेकिन मजाल है कि ममता के कानों पर जू रेंगे, मजबूरन छात्रों को सड़क पर आकर नबन्ना मार्च करना पड़ा। भाजपा ने बंगाल बंद बुलाया, ममता पर कुर्सी जाने का डर मंडराया, तब जाके दीदी लोगों के सामने आई और खूब राजनीति चमकाई। दीदी ने भाजपाइयों पर इस्तीफा देने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों पर सवाल उठाया। ममता दीदी ने वादा किया कि नियम लाएंगे जिससे रेप आरोपियों को 10 दिन के भीतर मौत की सजा दी जाएगी, लेकिन ये तेवर तब कहां थे? तब कहां थे जब टीएमसी का शाहजा शेख पूरे संदेश खाली में उपद्रव मचा रहा था। पुलिस आरोपियों को बचाती रही, लेकिन ममता बंगाल के आंच पर राजनीतिक रोटियां सेकती रही। दीदी कही कि बंगाल में सड़क पर हंगामा करने वाले बंगाली नहीं, मतलब अगर तुम इंसाफ की मांग करो तो तुम सियासी प्रपंच का हिस्सा हो, बंगाल के निवासी नहीं हो। जब इंसाफ की बात आती है तो ट्वीट कर अपनी फॉर्मेलिटी पूरा कर देती हैं दीदी। ऐसा देखा जाता है कि ऐसे रेप केसेस में पीड़िता के परिवार को सरकार की तरफ से पूरा समर्थन मिलता है, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है प्रभु। 20 दिन होने को आ गए हैं, लेकिन ममता दीदी के आने की ना तो आस दिख रही है और ना ही उम्मीद। इंसाफ के नाम पर ममता की पुलिस जनता को सुबह शाम लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दाग रही है। ममता बनर्जी और उनकी सरकार का ऐसा रवैया देख इंसाफ की आस तो धुंधली होती हुई दिखाई दे रही है। डर ये सताता है, जिस तरह संदेश खाली को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, वैसे ही कहीं कोलकाता रेप केस का भी हाल ना हो जाए। आज के लिए हमारे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हिंदी खबर डिजिटल।